नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं, उनके लिए बना रहे हैं जिन्होंने कंप्यूटर अभी तक चलाया नहीं है, कंप्यूटर अभी तक जिन्होंने छुआ नहीं है। क्योंकि हम जो वीडियो बनाया है ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे और भी, तो उनमें कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया हम कंप्यूटर कभी चलाया नहीं है, कुछ स्पेशल कोर्स किए नहीं है, तो हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और उनको ये बात बता देते हैं कि आपके जो दिमाग के अंदर जो डर बैठा हुआ है ना, उसको बिल्कुल ही बाहर फेंक दीजिए। इस वीडियो में हम आपको सारा डिटेल बताएंगे अच्छी तरह से। इसमें सिर्फ आपको एग्जाम में क्या करना है ना, माउस की सहायता से ही सारा काम करना है। आप किसी भी कैफे में जाइए, कंप्यूटर जहाँ पे है वहाँ पे आप जरा सा 1 घंटा 2 घंटा मेहनत कर लीजिए कंप्यूटर पे। देखिए, ये माउस है और जो देख रहे हैं आप अंगूठे के बगल में जो उंगली है, उसी से सिर्फ आपको क्या करना है, प्रेस करना है एंसर पे। अच्छा, अब आइए देखते हैं, ये है माउस। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। माउस का सिर्फ फंक्शन जान जाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए, ये 2 बटन होती है, ठीक है, और बीच में ये स्क्रॉल हम लोग इससे करते हैं, ऊपर नीचे पेज को करते हैं ऊपर नीचे। जैसे इसको घुमाएंगे, एक गोल रहता है, ठीक है, सिक्के की तरह, तो इसको ऊपर नीचे हम लोग करते हैं पेज को। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आंसर सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करते हैं, दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो मेरा आंसर सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर जो ये जो माउस है, ठीक है, इसी से सारा काम होता है मेरा, और कुछ नहीं सीखने का जरूरत है। ठीक है, और कुछ भी नहीं सीखना है। अब देखिए, माउस को अगर जो हम इधर से उधर करेंगे, लेफ्ट से राइट, तो देखिए कंप्यूटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक छोटा सा व्हाइट रंग का आपको साइन दिख रहा है एरो का, ठीक है, ये भी देखिए कैसे हो रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है। ठीक है, इसको ऊपर नीचे जैसे ही माउस को मूव कीजिएगा, इधर उधर घुमाइएगा, तो ये साइन भी इधर उधर जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही पेज खुलेगा जो हमारे इस कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन इन पे क्लिक कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है। यहाँ पे देखिए क्लिक करना होता है, ठीक है, अंगूठे के जो बगल में उंगली है उससे प्रेस करना होता है, यही चीज है। बस आपको कहीं भी जाना है कैफे जहाँ पे कंप्यूटर, आप एक दिन बस देख लीजिए इस माउस का काम क्या है, ठीक है, तो हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, अगर पेज लंबा है तो इस स्क्रॉल बटन की सहायता से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसी की सहायता से पेज मेरा क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। इसको जैसे जैसे घुमाइएगा तो पेज भी क्या होगा, ऊपर का पूरा दिखेगा फिर नीचे का दिखेगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए साइड में ये जो है एक लाइन, ठीक है, इस पर क्या करते हैं हम लोग, एरो को ले जाते हैं, जो साइन दिख रहा है एरो वाला, उसको इस पर ले जाते हैं, फिर अपना जो अंगूठा है उसके बगल में जो उंगली है ना, उसी से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्लिक करते थे उसको अब दबाए रखते हैं, दबाए रखते हैं, और फिर उसको माउस को इधर ऊपर से नीचे तक लाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जो बिल्कुल साइन दिख रहा है, ये एरो है संग संग उसी के, ठीक है, इस पर ले जाकर कैसे करते हैं, आइए देखिए। इसमें एरो को ले जाना है वहाँ पे और इस बटन को दबाना है, ठीक है, और फिर हमको क्या करना है, ऊपर नीचे करना है। ठीक है, इस तरह ऊपर नीचे करेंगे तो पेज भी क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। इसी तरह अगर जो लेफ्ट राइट करना होगा, ठीक है, यानी कि नीचे उसका इस तरह का लाइन दिया होता है, ठीक है, जो यहाँ पे आप दाहिने साइड देख पा रहे थे वैसा ही लाइन नीचे दिया होता है, ये बहुत जरूरी है आपको सीखना। ठीक है, तो इसको जाकर कैफे में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और भी हम कुछ वीडियो जो अपलोड किए हैं ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड, हर चीज का अलग अलग है, तो वो सब वीडियो आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, और ये जो हम बताएं आपको बहुत जरूरी है, जो आप देखिएगा कहीं भी कंप्यूटर पे एक बार जरूर चले जाइएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा, अब आते हैं ऑप्शन में। चलिए देखिए ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करना है एग्जाम में, माउस की सहायता से ही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, माउस को अगर जो आप इधर से उधर कीजिएगा तो इस तरह देखिए सिलेक्ट कर लिए, और सेव एंड नेक्स्ट पे धीरे धीरे माउस को लेकर आएंगे, जो एरो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा भी इसी तरह, ये इसको क्या करते हैं, फिर सिलेक्ट कर रहे हैं देखिए, और फिर इस माउस को धीरे धीरे पीछे खींचेंगे तो ये एरो भी पीछे आएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा है समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन एक चीज और है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो उसको देखने के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। वह ऐसा चीज है जो
स्टूडेंट कंप्यूटर चलाना जानते हैं वो भी एग्जाम में जाकर फंस जाते हैं। तो इस वीडियो को इसलिए पूरा ध्यान से देखिए। आइए कैसे देखिए, पहले एक चीज़ है सिलेक्ट करते हैं कैसे, और फिर माउस की सहायता से सारा काम करना है, फिर इसको धीरे धीरे एरो को ले जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, मेरा काम खत्म, आंसर सेव हो गया। देखिए ये दोस्तों आपके लिए, एक समझिए कंप्यूटर का ये स्क्रीन है, हम जल्दी जल्दी में क्या किए हैं पेज पे लिख लिए, कंप्यूटर का समझिए ये स्क्रीन है। आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह रहते हैं, ठीक है, मतलब कंप्यूटर पे आपको जो पेज है इस तरह का खुलेगा, टाइम ऊपर रहता है, लैंग्वेज ऊपर रहता है, ठीक है, क्वेश्चन बीच में रहता है, और ये जो क्वेश्चन के नंबर रहते हैं दाहिने साइड रहता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्या लिखा हुआ है, राम ने रावण को फिर मारा होना चाहिए था, मिसिंग है, वो दिख नहीं रहा हमको। सूरज पूरब से उगता है गायब है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, होना चाहिए लेकिन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये छुपा हुआ है, दाहिने साइड है लेकिन छुपा हुआ है, तो ये आप कैसे देख पाइएगा, आपको इसको देखने के लिए क्या करना होगा ना, यहाँ पे जो दाहिने साइड एक एरो का मतलब एक तीर या त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज की तरह साइन है, यहाँ पे आपको देर तक प्रेस करना है तो क्या होगा, ये पेज पूरा खुल जाएगा, ठीक है। अब पेज मान लीजिए इधर से फिर सामने चला गया, फिर आप यहाँ पे आइएगा, आपका जो लेफ्ट में है एक साइन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये तो पहला एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रहा है बीच में, इसको माउस की सहायता से प्रेस करना है, और आप इसको लेफ्ट राइट घुमाइएगा, जिधर का पेज देखना है उधर ले जाइएगा, तो उधर का पेज पूरा आप देख पाइएगा, ठीक है दोस्तों। अब ऊपर नीचे वाला हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे एक साइन है, इस पर अगर जो आप प्रेस कीजिएगा तो पेज पूरा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर देखिए एक साइन है, यहाँ पे अगर जो आप प्रेस कीजिएगा एरो को लाकर, ठीक है, माउस से, तो पेज पूरा नीचे चला जाएगा। तो इस तरह ऊपर नीचे आप पेज को देख सकते हैं, दाएं बाएं छुपा हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ जरूर बोलेंगे, आप जाइए जरूर कंप्यूटर, अगर जो आप बिल्कुल नहीं जानते चलाना, ठीक है, तो आप कंप्यूटर चला लीजिए, एक दिन दो दिन 1 घंटा 2 घंटा आप दे पाइएगा अगर जो कंप्यूटर पे, तो बहुत ही अच्छा होगा, माउस का फंक्शन जान लीजिए, और ये चीज़ जो बताएं बहुत ही ज़रूरत होता है, इस चीज़ का बहुत ही ज़रूरत, आप कंफ्यूज हो जाइएगा जब आप पूरा क्वेश्चन नहीं देख पाइएगा, बोलिएगा अरे ये क्या हो गया। आप आंसर सेलेक्ट करना जानते हैं, हम वीडियो जो बनाए हैं उस बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बैंक के लिए, SSC के लिए, रेलवे के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक हम दे दे रहे हैं, आप वो एक बार वीडियो भी देख लीजिए कि एग्जाम में आपको कैसे देना होता है, सारा जो वीडियो का ट्रिक भी है, ऑनलाइन एग्जाम में ट्रिक हम बताएं कैसे आप एग्जाम दे पाइएगा अच्छी तरह से जल्दी, ठीक है, तो वो सब भी वीडियो आप देख पाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।